अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल से क्या मुराद है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी ऑटो कैट सीखा है, हमने जस्ट ये सीखा ऑटो कैट के टूल्स का क्या नाम है और उनका फंक्शन क्या है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सीखा उनका प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाएगा, उनका प्रैक्टिकली फंक्शन क्या है, प्रैक्टिकली यूज क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले अपना ऑटो कैट ओपन कर देता हूं। आप डबल क्लिक कर दें, आपका ऑटो कैट ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास मेरा ऑटो कैट ओपन हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था, देखें आपने लाइन ली है, आपने सर्कल लिया, पॉली लाइन ली, रेक्टेंगल लिया, आर्क ली, जितनी भी आपने ये शेप्स ली हैं, जस्ट आपने इनको क्लिक किया, यहाँ पे आपने बनाने का इनको मेथड सीखा, उसके बाद मॉडिफाइड के थ्रू आपने इनके ऊपर काम करना सीखा, डायमेंशन को यूज करना आपने सीखा। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि आप अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, यानी कि अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हो ऑटोकैड के अंदर, वो आपको कैसे बनाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी एकेडमी में कुछ ऐसा तरीकेकार होगा, यहाँ पर जितना भी काम होगा वो आपको खुद करना होगा, खुद से ये मुराद है। पहले हम आपके सामने कुछ काम करेंगे, कुछ आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद आपको मैं कुछ इशारे दूंगा, उसके ऊपर आपने काम करना होगा। तो इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप हम आगे निकलते जाएंगे। एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑटोकैड को सीखना है तो ये जो हमारी जो 10 असाइनमेंट्स आ रही हैं, इनके ऊपर आपको काम करना सीखना होगा। अगर आप इनके ऊपर काम करना नहीं सीखोगे, आप नेक्स्ट लेसन के ऊपर चले जाएंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं हासिल होगा, क्योंकि यही वो टूल्स हैं, यही वो असाइनमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑटो कैड के अंदर मास्टर हो जाएंगे। अब कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको करके दूंगा, उसके बाद आपको उनको देख के उनके ऊपर काम करना होगा। तो आई डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ आपके असाइनमेंट्स दिखाता चलूं। यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, अब इनमें आपको क्या करना होगा, ये बिल्कुल सिंपल से आपकी असाइनमेंट्स वन होगी, ये आपको बनानी होगी। देन आपके पास आपकी असाइनमेंट टू आ जाएगी, आपको इस चीज को क्रिएट करना होगा, इसके अंदर आपको देखना होगा आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, क्या कुछ आ रहा है। अब इन असाइनमेंट्स के थ्रू जो मेन चीज आपको क्लियर होगी, आपको ड्राइंग रीड करने का मेथड आ जाएगा, आपको ड्राइंग को पढ़ने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट तो है, अब आपको क्या पता ये जो 8 है ये क्या है, इसके साथ ये मार्क किस चीज का है, आर किस चीज का है। लेकिन मैंने आपको ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप में आपको बताता आया था, इसलिए अब ये तमाम चीजें आपके पास यूज हो रही हैं। देखें आपके पास ये कि क्या चीज आ रही है, आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ रही है, ये गैप कैसे आप लेंगे। तो ये तमाम वही कमांड्स हैं जो मैंने आपको आज से पहले वाले लेसन के अंदर बताई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप्स इन तमाम कमांड्स के ऊपर काम करेंगे, इन तमाम असाइनमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, जब आप इन तमाम असाइनमेंट्स को खुद बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला डियर स्टूडेंट्स आप काम कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होगा, आपको ये असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगी? अब जैसे ही आप अपने यानी कि इसके बाद वाले लेसन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे बिल्कुल वीडियो के नीचे डाउनलोड का लिंक मौजूद होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी, इनको देखकर फिर आपको उनको बनाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप इन जो मैं भी आपको असाइनमेंट्स देने जा रहा हूँ, आप इनके ऊपर दिल लगाकर काम करेंगे, तवज्जो से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फिर हाजिर होंगे। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपको TCS के थ्रू आपके बताए हुए टेस्ट के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे इस वीडियो सीरीज की, इस कोर्स की, अगर आप हमसे DVD परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें इसी ईमेल पे यानी कि xpacademy@ymail.com या आप हमें हमारे हेल्पलाइन पे 03439017779 पर आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।